नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत में हूं राकेश। राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके, एक बार फिर से अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में आ गए। अक्सर आप उन्हें विवादित बयानों के लिए जानते होंगे और विवादित बयान देने के बाद राहुल गांधी माफी भी मांगते हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी विवादित बयान के चलते फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पता चले कि झारखंड के चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके बाद संसद में जमकर हंगामा हुआ। यहां तक कि राहुल गांधी को माफी मांगने की मांग भी कही जा रही है। आपको बता दी चले कि राहुल गांधी ने अपने बयानों में रेप को लेकर कुछ विवादास्पद बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को रेप कैपिटल के नाम से लोग जानते हैं, जिसके बाद संसद में जमकर बवाल हुआ और उसके बाद राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग भी की गई, जिसके बाद संसद में बवाल होने के बाद संसद की जो कार्यवाही है वो स्थगित भी करनी पड़ी। राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर हमेशा मुसीबत में घिर जाते हैं। पहले मोदी चोर है को लेकर उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी, अब वे मेक इन इंडिया नहीं, अब दुनिया भारत को रेप इन इंडिया के नाम से जानती है का बयान देकर घिर गए हैं। राहुल के इस बयान को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी की महिला सांसदों द्वारा जबरदस्त विरोध करते हुए लोकसभा स्पीकर से उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि झारखंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा था। उस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि दुनिया अब भारत को मेक इन इंडिया नहीं बल्कि रेप इन इंडिया के नाम से जानती है। राहुल गांधी के इस बयान का काफी विरोध भी हुआ था। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि दुनिया आज भारत को रेप कैपिटल के तौर पर देखती है। राहुल गांधी ने कहा था कि यूपी के एक विधायक ने कथित तौर पर एक महिला के साथ रेप किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर एक शब्द नहीं कहा। दरअसल राहुल गांधी का इशारा उन्नाव विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ था, जो अभी एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार के आरोप में जेल में बंद है। वहीं अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने बेहद ही विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि दुनिया भारत को बलात्कार की राजधानी के रूप में जानती है। राहुल के इन बयानों को लेकर लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मामले को उठाते हुए कहा कि राहुल ने महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि गांधी खानदान के शख्स का ये बयान बेहद ही शर्मनाक है। उन्होंने स्पीकर से इस बयान को लेकर कार्रवाई की मांग करते हुए बोली कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। राहुल के इस बयान को लेकर लोकसभा में काफी हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। बहरहाल राहुल गांधी के इस बयानबाजी के बाद जो नोकझोंक है वो काफी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष विपक्ष लगातार आपस में टकराव कर रहे हैं, वही लगातार संसद की कार्यवाही भी इसके लिए स्थगित करनी पड़ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार राहुल गांधी एक बार फिर से क्या अपने बयानों पर माफी मांगते हैं या फिर नहीं। और नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।